Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. I am Sanjeev Rathor और मैं स्वागत करता हूँ आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर. तो गाइज टाइम हो गया अपना, तीन बज चुके हैं. LDC स्पेशल क्लास का टाइम है जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कई बार पढ़ चुके हैं. जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनकी डेडिकेटेड क्लास भी आपको मिल चुकी है. तो वक्त है कि बैक टू बैक हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करें जिससे कि एग्जाम को सॉल्व करने में एक्यूरेसी और स्पीड हमारी मेंटेन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम सही क्वेश्चंस के जवाब दे सकें. तो गाइज स्वागत है आपका मॉडल पेपर 3 में. हमने फर्स्ट मॉडल पेपर आपको कराया था थर्सडे को, फिर सेकंड हुआ था फ्राइडे को और आज मंडे को हम लोग थर्ड मॉडल पेपर के साथ हैं. एक बार फटाफट बताइए आप सब लोग कैसे हैं. आज का कुछ मॉडल पेपर है वो कुछ नए क्वेश्चंस पर भी बेस्ड है. उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हम लोग जिनके तरह के क्वेश्चंस हो सकता है एग्जाम में ना मिले, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आपके 12 अगस्त में, 19 अगस्त में, और उम्मीद है कि आपका सितंबर में जो एग्जाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं. तो बिल्कुल इस बात से परेशान मत होना कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन है. देखो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको सिर्फ नए फ्लेवर में, नए क्लेवर में क्या करें कि कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करें और उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, क्वेश्चन पर नहीं. क्योंकि अगर आ गया कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन तो अपने आप आ ही जाएगा आपको. तो गाइस गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है सभी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स का. नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग नमस्कार कह रहे हैं, कुछ लोग गुड आफ्टरनून, और राजस्थान वालों को स्पेशल हमारी खमगड़ी. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं. आपका टारगेट होना चाहिए 75 में से 70 क्वेश्चन आपके सही हो, और लाइक शेयर जरूर करिएगा जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके. सर लगा दीजिए सबसे पहला डायरेक्शन स्क्रीन पर. तो गाइस सबसे पहला डायरेक्शन अपना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द idioms फ्रेज. idioms फ्रेज से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास अभी पेपर में नहीं आए हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस की वजह से ये कुछ वोकैब के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सर लगा दीजिए बच्चों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब. टाइम अप दोस्तों. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए था टू गेट इनटू हॉट वाटर. टू गेट इनटू हॉट वाटर, सिंपल सी बात है यार कि जो पानी गर्म पानी हो उस गर्म पानी में आप हाथ डाल दें, आपका हाथ चला जाए, पैर चला जाए. तो सिंपल सी बात है, आपको वार्म करने के लिए नहीं, ड्रोन डूबने के लिए नहीं, हैव अ हॉट बाथ के लिए नहीं, आपको मुसीबत पाने के लिए. टू गेट इनटू ट्रबल, तो इसका मतलब है कि आप मुसीबत में चले जाओगे. तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है. ऑप्शन से ध्यान दीजिएगा, टू गेट इनटू हॉट वाटर. हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में जाना, इट मींस मुसीबत में जाना. किस में जाना? मुसीबत में जाना. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चंस नहीं आए थे एग्जाम में. बिल्कुल इस बात से परेशान मत हो, ये देखो कॉन्सेप्ट देखो वोकैब के लिए. वोकैब के लिए अगर देखें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेसेस, सब कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, ठीक है. सर नेक्स्ट वर्ड वो भी बहुत आसान होगा. टाइम स्टार्ट नाउ. दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जितने भी लोग लेट से जुड़े हैं, अभी कोई नहीं, एक क्वेश्चन हुआ है. स्वागत है उन सभी प्यारे से स्टूडेंट्स का. तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ वाइल्ड गूस चेज. इस फ्रेज का बहुत यूज होता है, बहुत आसान होने वाला आप सबके लिए क्योंकि इसको बहुत सुना होगा आपने. बट ऑप्शन को थोड़ा सा नए फ्लेवर में रखा गया है, थोड़े से वर्ड्स चेंज किए गए हैं. अ फ्रूटफुल सर्च मतलब कोई ऐसी खोजबीन आप करें जो आपके लिए लाभदायक हो, या
लॉन्ग परस्यूट कोई ऐसा काम, कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा टारगेट जो बहुत लंबा होने वाला हो आपके लिए, या कोई फ्रूटलेस परस्यूट, या कोई ऐसा टारगेट जो आपके लिए फलदायक ना हो, लाभदायक ना हो, या रन आफ्टर ए बर्ड, एक पक्षी के पीछे भागना। तो सिंपल सी बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। वाइल्ड गुड चेज का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा प्रयास करना जो फ्रूटलेस हो, जो निरर्थक हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जो अनयूजफुल हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो सही जवाब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? हाँ, बहुत सारे लोगों का सही जवाब था, आप लोग नाम लेने की बात कर रहे हो, तो इतने स्टूडेंट्स का सही क्वेश्चन है ये कि हम इन सब का अगर नाम लेने लग गए ना तो शायद क्लास नाम लेने में ही चली जाएगी। आपके नाम बड़े प्यारे हैं, आप सबका हम नाम लेना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपनी है वो है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन पाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, नाम जरूर लेंगे आपका। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट दोस्तों। टाइम अप दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर था, जिसका टाइम खत्म हो चुका है, क्वेश्चन था ही वाज द वेड एग इन द फैमिली। तो ये जो वेड एग आया हुआ है ना, इसी का आपको मीनिंग बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हमेशा केवल रटी रटाई चीज़ों पर नहीं, कुछ फ्लेवर चेंज करके भी हमें देखने चाहिए क्वेश्चंस के, जिससे कि हम मजबूती से तैयार हो सकें। ठीक है, तो वेड एग, वर्थलेस, वैल्यूएबल, अनवांटेड या फिर ग्रीडी, या तो इसका मतलब अयोग्य होगा, या कीमती होगा, या अनवांटेड कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी चाहत नहीं थी, या फिर ग्रीडी, लालची। तो देखा जाए तो वेड एग का जो मीनिंग होता है वो होता है वर्थलेस, अयोग्य। क्या हो जाएगा? वर्थलेस, अयोग्य, जिसकी कोई मतलब ना हो, जो योग्य ना हो, जो यूजफुल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसके साथ जाएंगे? ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही जवाब था ये, तो उन सभी प्यारे से स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपके मोस्टली जो जवाब है वो सही हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, अभी ये थर्ड क्वेश्चन हुआ है, तो जितने लोग भी हमारे साथ लेट से जुड़े हैं, स्वागत है उन सभी प्यारे से स्टूडेंट्स का। और जितने लोग भी देख रहे हैं, कोशिश करें कि इस सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें। लाइक करने का मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हो इस सेशन के लिए, अपनी जॉब के लिए आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा है, एक पैशन है, और वो बताता है आपके लाइक बटन को प्रेस करने से, आपका पैशन दिखता है। ठीक है सर, नेक्स्ट डायरेक्शन। तो नेक्स्ट डायरेक्शन में आपसे कहा गया है कि आपके सामने एक सेंटेंस का कुछ पार्ट वोल्ड किया गया होगा, और उस वोल्ड पार्ट को हो सकता है आपको इम्प्रूव करना पड़े, और हो सकता है ना भी इम्प्रूव करना पड़े। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट दोस्तों नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, स्टॉप टेकिंग ब्राइब। ब्राइब का बहुत सारे लोगों को अगर मीनिंग ना पता हो, वैसे तो इंडियन अगर आप हैं तो इस वर्ड के मीनिंग को अच्छे से जानते होंगे। ब्राइब का मतलब होता है घूस या रिश्वत, घूस या रिश्वत। ठीक है, ब्राइब का मीनिंग क्या होता है? घूस या रिश्वत। चलो इधर लिख देते हैं, घूस या फिर रिश्वत। मीनिंग समझ गया? ब्राइब लेस्ट यू आर कॉट। आपको एक बार हमने बताया था जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे, उसमें एक वर्ड हमने दिया था लेस्ट। इसके मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि।
तो इस मीनिंग के अगर हम ध्यान दें तो इसमें नेगेटिव वर्ड तो छिपा हुआ है, और एक चीज जो ध्यान देनी होती है, इसके बाद सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हमेशा किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अब भाई जब शुड भी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। केवल अगर शुड रहे, केवल अगर मेरे पास शुड हो तो क्या करेंगे, आप सब लोग जानते हो कि मोडल्स के साथ जनरली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या था, कॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई थी, तो सही क्या होना चाहिए था, लिखा हुआ था शुड बी कॉट, तो इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इसके ऑप्शन में आपको दिया गया था शुड बी कॉट, और शुड बी मतलब पैसिव में चला गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। लेस्ट का याद रखना, एक बार फिर से समझ लो, लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये एक सेल्फ नेगेटिव वर्ड होता है, कभी भी आपको लेस्ट वाले पार्ट में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना, नॉट, नो, नेवर, इस तरह के वर्ड्स कभी यूज नहीं करने आपको। एक चीज और जो ध्यान देनी है वो ये है कि लेस्ट के साथ सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो, चाहे वो आई हो, ही हो, यू हो, सी हो, कुछ भी हो, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हम किसका यूज करेंगे। सो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे इस वर्ड के बारे में जो कुछ भी था वो हमने सारा आपको बताने की कोशिश की, कोई डाउट, क्या बात है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम स्टार्ट मेरे प्यारे दोस्तों आप। टाइम अप दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा, अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा। ऑप्शन के साथ साथ आपको हो सकता है कि पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो तो आपको नो इंप्रूवमेंट में जाना है। आंसर आ रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब अलग अलग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बाउंसर है कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ बी, अलग अलग जवाब दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए एक बार देख लेते हैं, बात करें अगर हम इस सेंटेंस की, अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डाटा, तो देखा जाए तो इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं है, इट मींस हम लोग जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट के साथ। तो जिन लोगों ने इस तरह के नो इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंस को पहचानना सीख लिया तो 100% वो इस तरह के क्वेश्चंस या ऐसे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को वो चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। सही बोला ना, ओके, बिल्कुल हाँ। नाम लेने की बात है, नाम के लिए क्यों पड़े रहते हो पीछे, नाम भी लेंगे सबका, परेशान ना हुआ करो। फिलहाल जो अपना टारगेट है वो है इस सेशन को यूजफुल बनाना, फ्रूटफुल बनाना और बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को समझना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट दोस्तों। टाइम अप दोस्तों, हाँ जवाब, क्या बात है, गुड। फिर इस क्वेश्चन में भी अलग अलग जवाब आ रहे हैं, जैसे नेक्स्ट पास्ट क्वेश्चन में आप लोग कह रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में इसी तरह के जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए देख लीजिए, टू कॉन्टेक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मेड, डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए क्या किया, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने पड़े, तो क्या लगता है गलती तो नजर आ रही, टू कांटेक्ट अटेम्प्ट्स डॉक्टर वर मेड, तो ये कुछ गलत लग रहा है। देखिए आगे बढ़ते हैं, द डॉक्टर वर मेड अटेम्प्ट्स टू कांटेक्ट, क्या डॉक्टर ने कांटेक्ट किया, नो नो नो, यहां तो मीनिंग ही चेंज कर दिया, डॉक्टर को कांटेक्ट कराने की बात कर रहे हैं। फिर आगे गए,
द डॉक्टर वर अटेम्प्ट्स मेड टू कॉन्टेक्ट, फिर गलत, क्योंकि डॉक्टर ने अटेम्प्ट्स थोड़ी ना किए, अटेम्प्ट्स वर मेड टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, कॉन्टेक्ट करने के लिए किसको, डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करने के लिए अटेम्प्ट्स को बनाया गया, कोशिश की गई, तो जो सही जवाब अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और कई सारे स्टूडेंट्स का सही जवाब आ रहा था, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का कंसंट्रेशन डेडिकेशन लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आता है, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, थैंक यू सो मच, तो लाइक बटन को प्रेस करिए, लाइक करिए, और दूसरे लोगों को भी कोशिश करिए कि लाइक किया करें आप लोग, हो सके तो शेयर करिए इस सेशन को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट दोस्तों आप। टाइम अप दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सम पीपल हैज, यहीं से पता चल गया भाई गलती तो है, क्योंकि पीपल होता है प्लूरल, पीपल हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा था। तो ए को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि पीपल के साथ हैज ना बाबा ना, कभी नहीं। सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राइड वेरी हार्ड, या सम पीपल हैव All the luck even when they do not try very hard। आप सब लोग जानते हो do not के साथ verb की कौन सी form आएगी, do not की जब हम बात करेंगे तो verb की कौन सी form आएगी, first form आएगी। तो A तो आपका गलत हो गया था, V हमने गलत कर दिया, do not के साथ tried आया हुआ, और C में जाए तो do not के साथ try आया हुआ, it means आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से समझना, जिसने ऑप्शन पर फोकस किया होगा उसका जवाब जल्दी आया होगा। देखो ए क्यों गलत, पीपल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब हमें कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, एलिमिनेट कर दिया। गए सेकंड में, डू नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, वहां पर ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, गलत कर दिया। तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही पीपल के साथ हैज लगा, इट मींस गलती तो है तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा। तो सही जवाब क्या हो गया, सी। क्या बात है, इस क्वेश्चन के लिए हम आप लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था इसका। कई सारे लोग ऑप्शन पर फोकस ना करके जल्दबाजी कर लेते हैं, जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को। चलिए एक और सबसे शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, चलिए फटाफट, ये आया आज का सबसे शानदार क्वेश्चन अभी तक का। Someone has tampered with my lock, tampered with my lock, tampered से lock से अपना स्मार्टफोन याद आ गया होगा आपको, है क्या बात है, कुछ लोग बड़ी अच्छी स्माइल भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, बात करें tampered की, tampered, जो हमारा वर्ड दिया गया है सही करने को, इसका मीनिंग होता है संतुलित, कह सकते हैं इसके लिए हम, क्या कह सकते हैं, संतुलित कह सकते हैं इसके लिए, या इसके लिए हम संयमित कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संयमित कह सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड हो गया। फिर चलते हैं ए में, ए में जो दिया गया उसका मतलब होता है रौंदना,
आपने देखा होगा गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ जाए, किसी इंसान किसी जानवर के ऊपर या किसी चीज पर और चढ़ती चली जाए, ठीक है, तो उसे क्या कह दिया, रोंदा। उसके बाद अगर हम वी ऑप्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है हाथ लगाना। वी का मीनिंग क्या होता है, हाथ लगाना। बात करें अगर हम सी वाले वर्ड की तो सी का मीनिंग होता है रस्सी से बांधना, रस्सी से बांधना। सी का मीनिंग क्या होता है हमारा, रस्सी से बांधना। उसके बाद में दिया गया नो इम्प्रूवमेंट, तो ना तो यहां पर संतुलित या संयमित की बात हो रही थी, लॉक की बात हो रही थी ना, रौंदने की भी बात नहीं हो रही थी, हाथ लगाने की बात हो रही थी। तो यहां पर जो सिंपली हमारी बात हो रही है वो किसकी हो रही है, किसी ने उसके लॉक को क्या कर दिया होगा, हाथ लगा दिया होगा। इस वजह से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्लियर, वी वाला जो टेम्पर्ड है वो पूरी तरह से आपको सही दिया गया है, आप आंसर में उसी के साथ जाइए। क्लियर, कोई डाउट किसी को, चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट डायरेक्शन होगा, तो नेक्स्ट डायरेक्शन दोस्तों आपके साथ, समझ गए ना, क्या, वेरी गुड, नोट कर लिया करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि जब तक वर्ड्स पे फोकस नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, बहुत जरूरी थे इसीलिए हमने आपको लिख दिए थे। तो नेक्स्ट डायरेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताने हैं वन वर्ड। वन वर्ड आपके 12 अगस्त के पेपर में भी आए, वन वर्ड आपके 19 अगस्त के पेपर में भी आए, और उम्मीद है कि आगे जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी वन वर्ड पूछे जाएंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट दोस्तों नाउ। टाइम अप दोस्तों, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने, अ मैन ऑफ एवल रेपुटेशन, अ मैन ऑफ एवल रेपुटेशन। हाँ, हलवा क्वेश्चन है ये आपके लिए भाई, मानना पड़ेगा, होशियार हो गए आप लोग, क्लैपिंग कर देते हैं आप जैसे होशियार स्टूडेंट्स के लिए। हाँ वेरी गुड, देखिए अ मैन ऑफ एवल रेपुटेशन, जिसकी जो इज्जत हो ना वो बुराई वाली हो, ठीक है, नेगेटिव हो। तो ग्रेसियस का अगर हम मीनिंग की बात करें तो ग्रेसियस का मीनिंग होता है अनुकूल। ग्रेसियस का मीनिंग क्या होता है, अनुकूल। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन लेबोरियस मतलब मेहनती, सेकंड का क्या हो गया, मेहनती। बात करें अगर हम सी ऑप्शन की, मिस्चीवियस मतलब शैतान, छोटे छोटे बच्चे मिस्चीवियस टाइप के होते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम डी वर्ड की, जो कि हमारा आंसर है नोटोरियस, जिसे हम लोग कहते हैं कुख्यात, जो बुरे काम के लिए फेमस हो ना उसे कहते हैं कुख्यात। जैसे वीरप्पन हुआ करता था, ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, ये लोग गलत काम करने के लिए फेमस थे, जिसे हम लोग कहेंगे कुख्यात। अच्छे काम के लिए विख्यात, बुरे काम के लिए कुख्यात। तो समझ में आ गया, एक बार हम चाहेंगे कि सब लोग थम्सअप करके बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। मैथ्स की क्लास की आप लोग बात करो, मैथ्स की क्लास डेली 1 बजे होती है साहिल सर के साथ, और जीएस की क्लास तो जनरल साइंस की क्लास मैम लेती हैं 2 बजे, 3 बजे अपनी क्लास होती है। बिल्कुल आपको ये बात कहनी नहीं पड़ेगी, आपके एग्जाम के लास्ट शिफ्ट तक ये क्लास चलती रहेगी, ठीक है, जब तक आप सबका एग्जाम नहीं हो जाता क्लास चलती रहेगी। बिल्कुल, बस आपसे गुजारिश है कि आप सेशन को लाइक करें, अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, चलिए फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर बच्चों की केयर की जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए बिना उनके पेरेंट्स के। तो बहुत ही आसान वर्ड हो गया, आई थिंक आपको पूरा समझा दिया, तो क्लियर हो गया आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑर्फनेज। एकेडमी पढ़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, प्रोटेक्शन और केयर की बात हो रही थी। एकेडमी में क्या होता है, पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती। जो सी ऑप्शन है एसाइलम, इसका मीनिंग होता है शरण या आश्रम। इसका मीनिंग क्या होता है, शरण या आश्रम, ठीक है। और उसके बाद बात करें डी की, तो डी का मीनिंग होता है रक्षा गृह। कंजर्वेटरी का मीनिंग क्या होता है, रक्षा गृह, जहां पर किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं। जबकि ये जो हमारा वर्ड था, जो वर्ड था वो सिर्फ बच्चों के लिए था जिसके माता पिता ना हो। तो डी का मीनिंग है रक्षा गृह। डी का मीनिंग क्या है, रक्षा गृह, ठीक है। लेकिन सही जवाब अपना क्या था, ए ऑर्फनेज। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट दोस्तों नाउ। टाइम अप दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। और ये भी देखो, क्वेश्चन आसान नहीं है, आप लोग होशियार हो गए हैं, क्वेश्चन आसान नहीं है ये, क्योंकि आप मेहनत करते हो, पढ़ते हो, तो होशियार हो गए हो आप लोग। ऐसे होशियार स्टूडेंट्स को सलाम भाई, आप लोगों को ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अ हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन, अ हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन। तो लगातार बहुत तेज बारिश होती रहे उसके लिए किस वर्ड का यूज करेंगे। ब्लिजर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है बर्फीला तूफान। ब्लिजर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, बर्फीला तूफान। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वही हमारा आंसर है, जिसकी हिंदी क्या होती है, मूसलाधार बारिश। हिंदी क्या होती है, मूसलाधार बारिश, और जो कि आपका जवाब है, ठीक है। वर्ड के मीनिंग हम सबके आपको बताए दे रहे हैं। थर्ड वर्ड जो दिया गया है वो है पहाड़ से बर्फ का गिरना। पहाड़ से बर्फ का गिरना, अपने लिए मीनिंग जानना भी जरूरी है, सिर्फ आंसर को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड अलग हट के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं, जब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, ठीक है। उसके बाद ड्रिजल जानते हैं, बूंदाबांदी, जब बारिश तेज ना हो रही हो, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ड्रिजल। लेकिन जवाब हमारा क्या था, मूसलाधार बारिश। समझ गए होंगे, आंसर सही थे। ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, या नोट कर लिया करो। नोट करोगे तो मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपके साथ रहेगी। कहते हैं ना वो हिंदी में एक कहावत है कि जो चीज़ हमें मेहनत से मिलती है ना, वो लंबे समय तक अपने साथ रहती है, सही है ना। तो मेहनत करोगे ना तो याद हो जाएंगे ये वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स आप सुबह 4 बजे उठ के इनको रट्टा मार लो तब याद होंगे, ये एक बार नोट करोगे ना, यकीन मानिए बच्चा याद हो जाएंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप दोस्तों, चलिए क्या बता, हाँ ये वर्ड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स दे रखे हैं तो वो सही जवाब दे रहे हैं। कई बार आपको याद होगा जिन्होंने पास्ट में कई सारे एग्जाम्स दिए हैं तो उन्हें पता होगा कि ये वर्ड कई एग्जाम में पूछा गया है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, टॉम का मतलब क्या होता है, मकबरा, जो महापुरुषों की याद में या पुराने राजा महाराजाओं की याद में मकबरे बनाए जाते थे ना, तो उनके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, मकबरा। और उस मकबरे पर जो वर्ड्स लिखे जाते थे उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
क्या डर्ज बोलेंगे उनको? डर्ज का मतलब तो होता है रोना धोना बिलाप करना। अब राजा महाराजा तो चले गए भाई, तो फिर रोने धोने की जरूरत नहीं है, बिलाप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करें पायर, और उसका मीनिंग होता है चिता। इसका मीनिंग क्या होता है? चिता। समझ रहे होंगे इस वर्ड को आप। उसके बाद बात करें थर्ड वर्ड सेनोटैप, जिसका मतलब होता है स्मारक। सेनोटैप का मतलब क्या होता है? स्मारक, मतलब किसी की याद में जो मकबरे बनवाए जाते हैं ना, जो महल या जो जगह बना दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्मारक कहते हैं, ठीक है। और अगला जो वर्ड है, ये तीनों तो अपने नहीं थे, मीनिंग हमने बता दिया। जब तीन एलिमिनेट हो गए तो चौथा अपने आप चिल्ला के कहेगा सर हम सही है, है ना। तो सही जवाब क्या हो गया? एपिटैप, जिसे हिंदी में कहते हैं स्मृति लेख, मतलब किसी की याद में अगर कुछ लिखा जाए ना, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? एपिटैप। अब ऐसा मत करना दोस्त कि कोई जिंदा है और उसकी याद में कुछ लिख डाला, उसे भी इस वर्ड का नाम दे दिया। समझ रहे हो ना, ये उन पर्संस के लिए है कि जिनके मकबरे बनाए गए उनके मकबरे पर लिखा जाए कुछ ना। आप कोई जिंदा है उसी के याद में अपने पेज पर किसी पर लिख लिया और एपिटैप मान के चल दिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके चेहरे पर स्माइल ला देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोला था बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है। रीत, रीत, रैत और फिर से रीत। ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पहला ऑप्शन है उसका मीनिंग है फूलों का हार, फूलों का हार, ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है वो दरअसल कोई वर्ड ही नहीं होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको लिख दिया गया। सी की तरफ अगर हम जाएं तो सी का जो ऑप्शन है, सी का वर्ड है रेत, का मतलब होता है नाराजगी, किसी के लिए गुस्सा, ठीक है। डी वर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर फूलों की हार की बात नहीं होती। देखो अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, तो जो डेकोरेटिव रिंग बनाई जाती है, फूलों का हार तो बहुत लंबा होता है, उसके लिए तो जनरली यूज के लिए, जैसे ये सिंगल छोटा सा गोला, जैसे अभी आपने देखा होगा 16 अगस्त को अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई, 17 अगस्त को जब उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे लोग, तो आपने देखा होगा कि एक गोल गोल फूलों का एक गोल सर्कल सा दिया जाता है, जिसे हम एक रिंग कह सकते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें लास्ट में ई और लगा दिया जाता है, WRETHE, जिसका मतलब क्या होता है? घेरना, या जिसे कहते हैं गूथना, और उसमें देखना फूल ना जड़े होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जड़ देना, टिका देना, आपके राजस्थान में मोस्टली ऐसे बोलते हैं, तो ये वर्ड सही होगा। थोड़ा सा ए और ई का डिफरेंस था, आपको याद है ना। एक तो नेताजी जिंदा है तब उनके ऊपर फूल की माला डाली गई, वो अलग हो गई, वो पहला वाला वर्ड हो गया। अब नेताजी की डेथ हो गई, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, मतलब हम सिर्फ उनका नाम नहीं, सभी नेताओं के साथ, सभी अच्छे महापुरुष जो भी है उनके सब के साथ होता है, तो जो वो छोटी छोटी सर्कल टाइप की, और हमारे देश के कोई सैनिक अगर शहीद हो जाए उनके लिए भी इन चीजों का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेकंड वाले का मीनिंग बता दो। मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड वाले का कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, फिर अपने सेशन को एंड करते हैं। सर लगा दीजिए डायरेक्शन। टाइम अप दोस्तों, डायरेक्शन में टाइम नहीं था आपके लिए, बोला गया है कि चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन चार में से तीन की स्पेलिंग जो होगी वो गलत होगी, आपको सही स्पेलिंग सर्च करनी है, ठीक है। सही स्पेलिंग सर्च करनी है कि सही स्पेलिंग किस वर्ड की है, ओके। तो लगा दीजिए सर सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट दोस्तों नाउ।
टाइम अप दोस्तों, चलिए तो ट्यूशन की आपसे सही स्पेलिंग पूछी गई है, टी यू टी आई यू एन या टी यू आई एस आई यू एन या टी यू आई टी आई यू एन। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब आपका क्या है, सी वाली जो स्पेलिंग दी गई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डी में भी गलत लिखा हुआ था, तो सही जो स्पेलिंग है वो कौन सी है, सी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम में एक बार भी नहीं आए हैं, बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, नए वर्ड्स को सीखने के लिए बहुत जरूरी हैं ये वर्ड्स। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन लगा दीजिए और वो होगा बच्चों आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि अगले दिन थोड़ा ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाएं आपके लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों, तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, डिजास्टर्स की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। यार कॉन्सेप्ट नॉलेज ना कभी बेकार नहीं जाती है, क्या बात है। चलिए देखिए, सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब आपका ए है, डिजास्टर्स की जो सही स्पेलिंग होती है वो है डी आई एस ए एस टी आर ओ यू एस, ये डिजास्टर की सही स्पेलिंग है। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं आपदा कह सकते हैं, अभागा कह सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद आए उस तरह का वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ये था आपका सेशन, होप सो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फटाफट बता दीजिए कमेंट करके हमें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। एलडीसी पर्पस की बात करें तो पर्पस अपना यही था कि इंग्लिश को हम स्ट्रॉन्ग करें, अगर थोड़े से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। देखो लॉजिक क्या था इस तरह के क्वेश्चंस का, 12 अगस्त को जो पेपर आया 19 अगस्त को रिपीट हुआ, हो सकता अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको पेपर थोड़ा सा हटके आ गया तो फिर क्या करोगे, क्या 12 अगस्त और 19 अगस्त के भरोसे बैठे रहोगे? ना ना ना, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी घुमा के आया तो हम पूरी मजबूती के साथ जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है दोस्त। सिर्फ ये नहीं है खाना पूर्ति नहीं करनी है कि हम घूमने जा रहे हैं, सिलेक्शन लेना है ना, तो हर तरह के क्वेश्चन को तैयार करना है। बहुत सारे लोग अपोज करेंगे इस सेशन का, सर ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, भैया कॉन्सेप्ट देखो, तैयार रखो और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक करिएगा, एक रेशियो बना के चला करो, जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना कम से कम उतने लोग तो लाइक कर ही दिया करो, बाद में जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्लास को देख सके और इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, कमेंट्स किया करो, आज हमने आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दिए, आपके कमेंट्स नहीं उठाए कुछ दिन के लिए, जब तक मॉडल पेपर में ना, मॉडल पेपर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो वेल आइकन लगा हुआ ना उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नई क्लास के नोटिफिकेशन और सभी जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब आपको मिलते रहें। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई क्लास में नए जोश जुनून और जज्बे के साथ, कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।